इस वक्त हम शेरगढ़ में मौजूद हैं और हमारे जो बैक पे आप देख सकते हैं सैयद हज़रत मोहम्मद इब्राहिम दाऊद बंदगी किरमानी का मज़ार है और बहुत बड़ी हस्ती यहाँ मदफून है। और यहाँ हमारे साथ सैयद आबिद हुसैन किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं। इनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम करते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती ये कहाँ से तशरीफ़ लाए और ये कौन से ईयर में यहाँ आए और इनकी इस्लाम के लिए दीन के लिए अल्लाह के नाम के को फैलाने में इनकी खिदमात के हवाले से कुछ गपशप लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं। जी ईरान के किरमान सूबा और शहर है, वहाँ पे ये वहाँ से आए थे जी। तो बेसिक उच शरीफ में शजरा है जी सारा, तो उच शरीफ से फिर आगे जैसे सारी सदात निकली मुख्तलिफ जगह जहाँ पर ड्यूटियाँ थी, तो ये फिर इधर को निकले तो सदघरा आके चिल्ला काटा, वहाँ पे इनका पहला मुरीद मीर चाकर खान रिंद है, बलोच सरदार था, इधर आया था। तो दूसरा इनका मुरीद हुआ कोला सिंह, यहाँ पे एक जगह है बामा कोला, वो भी बड़ा जालिम सिख था, उनको भी इन्होंने मुसलमान किया। तो उसके बाद फिर ये लाहौर चले गए, उसके बाद फिर ये चूनी आ गए, काफ़ी अरसा वहाँ पर गुजारा चूनी, ये जो सात जगह है इसको पहले चुन्नीवाल बोलते थे। उसके बाद ये फिर शेरगढ़ आ गए, तो यहाँ पे भी तकरीबन हिंदू सिख आबादी ज़्यादा थी, तो इधर भी लोग मुसलमान किए और उनके यही फिर आखिरी आरामगाह भी यही बनी। और उनके जो मुरीद हैं वो माशाल्लाह 360 वली हैं, सब के तो मुझे नाम नहीं आते, लेकिन मेन मुझे कमाल चिश्ती, वहाब चिश्ती, तैर बंदगी, बाबा मजंगी, शाहबुल माली साहब और दरगाह हज़रत बाल कश्मीर वाले, ये इनके दस्ते बैत मुरीद थे और इन्होंने अपने जैसा उनको बनाया, जो इनके वो मुरीद थे जब उन्होंने फैज़ हासिल किया। तो उनका ये था सबसे ज़्यादा जो है ना, वो लंगर करते थे और लोगों को खिला देते थे, लोग नज़र न्याज काफ़ी देते थे। और उनका तो हुक्म था कि मेरी कब्र कच्ची बनाइएगा अपनी औलाद को, ताकि कल को पता ही ना रहे कि कभी कोई बंदगी आया था। लेकिन ये तो वली का अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह का नाम रोशन करता है अल्लाह उसका नाम ख़त्म नहीं होने देता। तो फिर वो ये उनके भतीजा भी थे शाहबुल माली साहब, दामाद भी थे, तो उन्होंने फिर ये रोज़ा उनका बाद में बनवाया, जो आप अभी ये बिल्डिंग देख रहे हैं। ये उन्होंने बिल्डिंग काफ़ी पुरानी और इसकी दीवारें काफ़ी चौड़ी हैं और इंटीरियर इसका बड़ा इंटीरियर, ये बेसिक तो है अफगानी स्टाइल, ये आपको इंडिया में या इधर कम नज़र आएंगे। इनके वो मीर चाकर खान रिंद का सेम ऐसे है, तो ये बना हुआ है, तो अलग ये स्टाइल ही है। आप शाहबुल माली साहब का भी जाके देखेंगे तो वो भी तकरीबन इसी तरह का है, या इनके जो मुरीदों के हैं। तो ये काम है इंडिया में, ये जो स्टाइल बना इस रोज़े का। और आप देखें माशाल्लाह बाकी जगह पे जाएंगे तो उसका वो बुज़ुर्ग तो खैर एक जैसे होते हैं, उनकी ड्यूटियाँ होती हैं, कोई ऊपर नीचे तो नहीं होता, एक जैसे ही होते हैं। तो रोज़े छोटे होंगे, आता बड़ा होगा, नाम भी बड़ा होगा। और माशाल्लाह देखें आप, इसका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है। और वैसे अगर बेसिक देखें तो इनके मुरीद जो हैं पिशावर तक, स्वात तक, कराची सिंध तक लोग आते हैं यहाँ पे, जो सुनते हैं मानने वाले हैं आपकी तरह वो फिर आते हैं। तो उर्स हमारे होता है इधर 13 मार्च को, और अभी हमारा ये वाद दरबार बचा है कि जहाँ पे लोग 3-3 महीने पैदल चल के आते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो पूरे पाकिस्तान से पैदल चलते हैं 3 महीने, फिर इधर पहुँचते हैं। इधर फिर एक मेला या उर्स लगता है। और मेरा ये पैगाम है लोगों के लिए कि जब भी कोई मुरीद आता है या मानने वाला आता है तो इनकी स्वाने उम्री पढ़ें। ये चाहते क्या थे, ये आए किस लिए थे, और इनकी ज़िंदगी पढ़ के वैसे गुजारने की कोशिश करें तो आपको फ़ायदा होगा। जी बड़ी अच्छी बातें हुई जी। और इस खत्ते में बरेसगीर में ख़ास तौर पर इन जैसे बुज़ुर्गों ने ही खिदमात की,